अन्यथा डायमंड लेगा सुशील चिकारा जी, सदाबहार, कैप्टन बहादुरगढ़ और ये भी इतिहास सिंह जी दिल्ली के अंदर और जिससे बिल्कुल लगी है गोल्ड लाइन। वेलकम, ओवर टू यू सुशील जी। गुड मॉर्निंग सर, मोस्ट वेलकम, गुड मॉर्निंग। और जितने भी पैनल में जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और सर बहुत अच्छा लगता है कि जैसे हमें जो चीजें जो हमारे इतिहास में जो भी प्रोडक्ट हैं उनकी अगर जितनी भी जानकारी हमें चाहिए उससे कहीं ज्यादा जानकारी हमें जूम ऐप पे मिलती है। जैसे अभी आज कोड़ी साहब के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी मिली। दूसरा जो हम शेयर करते हैं उससे भी हमें एक दूसरे को कुछ ना कुछ मतलब आगे ही और ज्यादा एडवांस में हमें उन चीजों के बारे में जानने को मिलता है। और जैसे अभी मैं बात करती हूँ कोड़ी साहब की ही, कोड़ी साहब की वजह से जैसे एक जेंट्स था उन उसके अंदर जैसे कहते हैं सर शुक्राणुओं की कमी थी, तो हमने उसको अभी एक महीना भी नहीं हुआ है उसके जो पहले टेस्ट हुआ था और अब वाले टेस्ट में सर 50% जो था उसमें डिफरेंस आ चुका है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। सेम ऐसे ही एक लेडीज है भिवानी से जिसको मतलब जो कहते हैं कि उसका जो इम्यून सिस्टम था वो बहुत ज्यादा वीक था, जैसे ही मौसम चेंज होता उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। कई बार तो उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, उसको जैसे पंप वगैरह भी लेने पड़ते थे। और सिर्फ 3 महीने के कोर्स से उसके जो पंप थे वो भी छूट चुके हैं। तो कोड़ी साहब बहुत ही जबरदस्त है और मैं खुद भी कोड़ी साहब को इस्तेमाल करती हूँ। और सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है कोड़ी साहब का, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है बगैर जो कहते हैं स्ट्रेस फ्री नींद, तो मैंने पर्सनली कोड़ी साहब को इस्तेमाल किया, बहुत ही अच्छा है। और जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर इसमें जुड़े हुए हैं अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उसको मार्केट में किसी और को देने से पहले अगर हम खुद उसको इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने पास से खुद उसको ये बता सकते हैं कि उसका कितना रिजल्ट है, क्या फायदा है और किन किन चीजों में वो काम करता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही जो फॉर्मूला है जो हमारे बिजनेस को डेवलप करने में हम सब की मदद करता है वो यही है कि सबसे पहले इस्तेमाल करो, उसके बाद आप उसको शेयर करो, जो भी रिजल्ट आपको आते हैं तो बिजनेस ऑटोमेटिक आपका जनरेट होगा, रैंक आपके चेंज होंगे और अकाउंट के अंदर आपका जो अमाउंट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही सर अभी आपने बात की पॉजिटिव और नेगेटिव की, तो इसके मैं एक छोटी सी स्टोरी के ऊपर मैं इसको मैं बताना चाहूंगी कि एक बार दो बच्चे थे और वो उन दोनों बच्चों में से एक जो बच्चा था वो बहुत ही पॉजिटिव था और एक बच्चा था वो नेगेटिव था। लेकिन उनके जो माँ बाप थे वो जो नेगेटिव बच्चा था उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो एक मनोवैज्ञानिक के पास लेके गए, उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी कंडीशन है कि हमारा एक जो बेटा है वो बहुत ही नेगेटिव है और दूसरा बहुत पॉजिटिव है, तो हमारा जो नेगेटिव बच्चा है हमें उसको पॉजिटिव करना है, या आप उसको कैसे उसको चेंज कर सकते हो। तो उन्होंने पूछा कि इनका जो बर्थडे है वो कब आता है, वो जैसे जुड़वा बच्चे थे तो उन्होंने बताया कि जो इनका बर्थडे है उससे एक दिन पहले आप एक काम करो, इन दोनों बच्चों को अलग अलग कमरे में रखो और इनको कुछ खिलौने दो। तो जो नेगेटिव जो पॉजिटिव बच्चा था उस पॉजिटिव बच्चे को उसके मन पसंद खिलौने, महंगे महंगे गाड़ी कार हेलीकॉप्टर वगैरह सारी चीजें उसको दी गई और उसको उसके हाल पे उसके कमरे में छोड़ दिया गया। और दूसरी साइड एक जो नेगेटिव जो पॉजिटिव बच्चा था उस पॉजिटिव बच्चे के कमरे में जो घोड़े की जो लीद होती है वो उससे उसका कमरा भर दिया गया। और अगली ही सुबह जैसे सुबह हुई तो उन्होंने देखा कि चलो अब हम देखते हैं, सबसे पहले जो नेगेटिव बच्चा था वो उसके कमरे पे गए तो वो नेगेटिव बच्चा रोता हुआ बाहर आया और उन्होंने बोला कि मेरी गाड़ी का पहिया टूट गया, मेरी जो हेलीकॉप्टर थी उसकी पंखड़ी टूट चुकी है। मतलब वो सुबह भी रोता हुआ इतने महंगे खिलौने देने के बाद, तो उसके माँ बाप ने सोचा कि जब इसको इतने महंगे महंगे खिलौने दिए ये अब भी रो रहा है, तो उन्होंने देखा कि वो जो हमारा पॉजिटिव बच्चा है चलो हम उसको देख के आते हैं। तो वो जो पॉजिटिव बच्चा था वो उसके कमरे में गए, जैसे ही उन्होंने उसका कमरा खोला तो वो जो घोड़ों की जो लीक थी वो ऊन से दीवारों पे पेंटिंग कर रहा था। तो उसने बोला कि जब मेरे जो कमरे में घोड़े की लीक इतनी है तो बाहर घोड़े कितने होंगे। तो उसको देख के उसके जो माँ बाप ने देखा कि ये जो नेगेटिव है तो इसको अगर आप कुछ भी दे लो, दुनिया का कुछ भी कितना भी कुछ आप इसके सामने रख लो ये नेगेटिव ही रहेगा, और जो पॉजिटिव था
उसके पास आप उसको कितना भी बदतर आपने दिया, उसने उस बदतर को भी बेहतर निकाल दिया। तो यही टियांस है और यही एक टियांस, एक सक्सेस, एक लीडर की यही पहचान है कि बदतर में से भी बेहतर निकालना वो आपको आना चाहिए। और हमारे पास अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है तो हमें उसका सामना करना चाहिए और उस प्रॉब्लम से हमें कैसे बाहर निकालना है उसका हमें पता होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो आप वहीं पे कंफ्यूज हो जाओ और आपका जो काम है वो डाउन हो जाएगा। तो यही हमें सिखाता है कि हमें कैसे अपने बिजनेस के प्रति, अपने सीनियर के प्रति, अपनी टीम के प्रति पॉजिटिव रहना है। और अगर हम खुद पॉजिटिव हैं तो तभी हमें आगे इस काम को कर सकते हैं। और आज हमारी एक जो भादुरगढ़ में छोटी सी मीटिंग थी, मैंने इस चीज को अपनी टीम पे भी मतलब अप्लाई किया है कि हम कैसे इसको आगे कर सकते हैं। जैसे अभी एक छोटी सी स्टोरी के साथ साथ एक छोटा सा जो वर्ड था, जैसे कई वर्ड होते हैं, जैसे चिन हमें पता होता है कि हमारी ठोड़ी होती है और चिक हमारी गाल होती है। तो आज ये चीज मैंने प्रैक्टिकल अपनी टीम के सामने भी की है। तो मैंने उनको ये बोला कि मैंने अपने जैसे यहाँ उंगली रखी और मैंने बोला कि आप सबको वो करना है जो मैं बोलूंगी। तो मैंने उनको बोला कि आप सभी को अपने चिक पर उंगली रखनी है। तो उन सब ने क्या किया, उंगली मेरी यहाँ थी और मैंने बोला चिक, तो उन सब की उंगली वहीं थी जहां मेरी उंगली थी। यानी कि लोग वो करते हैं जो आप करते हो, लोग वो कभी नहीं करते जो आप बोलते हो। तो मेरी उंगली मेरे चिक पे थी, मेरी चिन सॉरी मेरे चिन पे थी, मेरी चिक पे थी, मेरे चिन पे नहीं थी। तो चिक पे जैसे उंगली थी, सभी की उंगली ही चिक पे थी और उनकी उंगली चिन पे नहीं थी। तो आपको कुछ भी अगर आपकी टीम से करवाना है तो पहले आपको वो करना पड़ेगा। तो थैंक यू सर इतना टाइम देने के लिए। तो लास्ट में बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव टियांस। थैंक यू सर।